हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। मेरा नाम है ओमकार और आज के वीडियो में मैं आया हूँ नासिक के कार मॉल में, जहाँ पे मैं आपको दिखाने वाला हूँ दो सेडान कार्स। सो फर्स्ट वाली गाड़ी हम देखने वाले हैं स्कोडा ऑक्टाविया। ये एक 2013 का ऑटोमेटिक मॉडल है, ये एक डीजल में ऑटोमेटिक गाड़ी है। एंड देन दूसरी वाली हम देखने वाले हैं होंडा सिटी, जो कि एक 2015 की गाड़ी होने वाली है। ये एक मैनुअल गाड़ी है, डीजल में मैनुअल गाड़ी है। देन इस वीडियो के अंदर मैं बात करने वाला हूँ इन दोनों कार्स की कंडीशन के बारे में, इनके फाइनेंस के बारे में, इनके प्राइस के बारे में। पर कार्स दिखाने से पहले, अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, जो नीचे लाल वाला बटन है उसको क्लिक कर लीजिए और उसके साइड में जो बेल आइकन है उसको भी क्लिक कर लीजिए, जिससे आपको जो मेरे आने वाले वीडियोज़ है उनकी नोटिफिकेशन आ जाएगी। तो चलिए अभी फटाफट इन गाड़ियों को देखते हैं। A few moments later. So, ये है वो दोनों कार्स जैसे कि मैंने आपको बेसिक डिटेल्स बता दी है। सो अभी हम स्टार्ट करते हैं इन दोनों कार्स की कंडीशन के साथ। सो फर्स्ट वाली गाड़ी की हम कंडीशन देखेंगे, वो है होंडा सिटी। सो ये 2015 का मॉडल है। एंड देन आप इसकी पूरी एक बार लुक्स देख लीजिए। ये बेसिकली एक ब्राउन कलर है, थोड़ा सा मतलब डार्क ब्राउन आप इसको बोल सकते हैं। देन इसके आप एक बार हेडलैम्प्स देख लीजिए। इसकी जो हेडलैम्प्स है ये हैलोजन हेडलैम्प्स है। देन यहाँ पे साइड में टर्निंग इंडिकेटर्स है। जो लुक है इसकी वो काफ़ी अच्छी दिखती है। सामने अगर आप देखें सो सामने एक नॉर्मल से आपको होंडा की ग्रिल मिलती है। देन जो अलॉयज है ये 15 इंचेस के अलॉयज है। नॉर्मली जो होंडा सिटी रहती है इसके अंदर 15 इंचेस के ही अलॉयज आते हैं। सो इसके अंदर भी 15 इंचेस के अलॉयज है। फाइव स्पोक अलॉय व्हील्स है। एंड देन आगे के साइड में इसके अंदर डिस्क ब्रेक्स है। पीछे के साइड का भी हम देखते हैं, पीछे के साइड में आपको ड्रम ब्रेक्स मिलते हैं इसके अंदर। देन जो गाड़ी की साइड लुक है वो एक बार आप देख लीजिए। गाड़ी जो है ये साइड से पूरी ही क्लीन कंडीशन के साथ है, आपको हार्डली इसके ऊपर कोई स्क्रैच मिलेगा। देन जो डोर हैंडल्स है ये भी पूरे ही क्रोम में है। ये है इसकी रेयर साइड। आपको यहाँ पे सिटी VX की बैजिंग मिलती है, ID टेक की बैजिंग मिलती है, क्योंकि ये एक डीजल गाड़ी है। सो आप रेयर लुक भी एक बार देख लीजिए। यहाँ पे थोड़ा नंबर दिख रहा है इसलिए थोड़ा मुझे हाइड करना पड़ेगा, बट आप रेयर साइड की भी कंडीशन देख सकते हैं। जो कंडीशन है वो काफ़ी अच्छी है। देन ये है इसकी दूसरी साइड। आप ये दूसरी साइड से भी देख लीजिए, जो कंडीशन है वो दूसरी साइड से भी काफ़ी अच्छी है। अलॉयज देख लीजिए आप। सारी जो चीज़ें इस गाड़ी के अंदर आपको पूरी ही मतलब क्लीन कंडीशन में मिलने वाली है। देन जो इसकी साइड मिरर है इसके अंदर भी टर्निंग इंडिकेटर है, तो आपको ये भी चीज़ इसके अंदर मिलती है। देन अभी हम सीधा चलते हैं इस गाड़ी के अंदर। सो बेसिकली इस गाड़ी के अंदर कीलेस एंट्री है। सो हमें जो की है उसकी ज़रूरत ही नहीं है, हमें बस ये बटन दबाना है और गाड़ी अनलॉक हो जाएगी। गाड़ी अनलॉक होने के बाद ये साइड मिरर जो ये अपने आप से ही खुल जाती है। देन अभी हम चलते हैं इस गाड़ी के अंदर और ये है इसका इंटीरियर। सो इंटीरियर भी आप एक बार देख लीजिए। जो डोर है इसके अंदर थोड़ा सा लेदर का फिनिशिंग है। यहाँ पे बेज कलर में पूरा ही लेदर आपको मिलता है। ऊपर यहाँ पे डोर के अंदर भी लेदर है, जो मतलब इसकी वजह से भी इस गाड़ी की प्रीमियमनेस है वो काफ़ी बढ़ गई है। जो सीट्स है ये भी पूरी ही बेज कलर में है और जो डैशबोर्ड है ये बेसिकली ब्लैक कलर में है। देन यहाँ पे नीचे एक स्कर्फ प्लेट भी है न्यू सिटी की। सो ये आपको काफ़ी मतलब एक अलग चीज़ मिलती है। देन जो सीट्स है ये आपको मैन्युअली ही एडजस्ट करनी पड़ेगी। और अभी मैं इस गाड़ी के अंदर बैठता हूँ एंड देन आप इसकी अंदर से भी पूरी एक बार कंडीशन देख लीजिए। सो ये है इसका स्टेयरिंग व्हील। स्टेयरिंग व्हील के ऊपर आपको साउंड के कुछ कंट्रोल्स मिलते हैं, इससे आप जो ये साउंड ऑपरेट कर सकते हैं। एंड देन इस गाड़ी के अंदर क्रूज़ कंट्रोल का भी ऑप्शन है, तो यहाँ पे आपको क्रूज़ का एक बटन मिलता है, आप सिंपली यहाँ से क्रूज़ कंट्रोल ऑन कर सकते हैं हाईवे पे। यहाँ पे आपको एक छोटा सा डिस्प्ले मिलता है, काफ़ी क्यूट सा डिस्प्ले है, एकदम छोटा सा डिस्प्ले है, जिसके ऊपर से आप मतलब जो इन्फोटेनमेंट स्क्रीन है वो पूरी आप इससे ही एक्सेस कर सकते हैं। ये कोई भी टच डिस्प्ले नहीं है, आपको यहाँ से बटन से ही ये पूरा ऑपरेट करना पड़ेगा। और ये यहाँ से भी ऑपरेट होता है शायद, तो यहाँ से भी आप इसको ऑपरेट कर सकते हैं। साउंड के आपको यहाँ से कंट्रोल्स मिलते हैं। एंड ये है इसका ग्लो बॉक्स। ग्लो बॉक्स भी एक बार आप देख लीजिए, इसके अंदर भी काफ़ी स्पेस है। देन डैशबोर्ड भी एक बार आप पूरा ही देख लीजिए, प्रीमियमनेस आपको इसके अंदर काफ़ी मिलती है। देन एक बार मैं आपको ये गाड़ी स्टार्ट करके दिखा था। उसको स्टार्ट करने के बाद यहाँ पे जो इसका इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर है उसके अंदर पूरी ही ब्लू कलर की लाइट्स जलती है। सो ये भी काफ़ी अच्छा लगता है, मुझे काफ़ी पसंद आया ये। इसके अंदर ये लाइट्स लगती है। एंड देन जो गाड़ी की कंडीशन है वो एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। सो सीट्स भी आप देख सकते हैं, थोड़ा सा अंधेरा है यहाँ पे, इसलिए मुझे पता है कि आपको ठीक से नहीं दिख रहा होगा, पर आप थोड़ा जस्टिस कर सकते हैं। जो सीट्स है वो काफ़ी अच्छी कंडीशन के साथ है। एंड देन यहाँ पे हैंडरेस्ट के अंदर भी थोड़ी सी जगह है। जैसे कि एक मैनुअल गाड़ी है, सो यहाँ पे 5-speed मैनुअल गियरबॉक्स है इस गाड़ी के अंदर। यहाँ पे इसी के कंट्रोल्स है। यहाँ पे आपको पूरी ही बैक लाइट्स मिलती है। देन ऊपर के साइड में एक छोटा सा सनरूफ है, इसको भी एक बार मैं आपको ओपन करके दिखाता हूँ। सो ये है इसका सनरूफ, मतलब एक छोटा सा सनरूफ है, पर आपको मतलब आप इसको यूज़ कर सकते हैं।
आपके पास अगर कोई बच्चे हो तो सनरूफ के अंदर से अगर किसको ऊपर निकलने का शौक हो तो वो इसके अंदर से बाहर निकल सकता है। देन डोर्स के अंदर यहाँ पे ट्विटर्स वगैरह है, और मैं अभी चलता हूँ पीछे के साइड में डायरेक्टली। सो पीछे की भी मैं आपको कंडीशन दिखा देता हूँ। सो यहाँ पे रेयर साइड में भी एसी के ब्लोअर्स वगैरह है। देन पीछे से गाड़ी कुछ इस तरह से दिखती है, जो इसका डैशबोर्ड है वो भी कुछ इस तरह का दिखता है। एंड जो पीछे की सीट्स है ये भी काफ़ी अच्छी कंडीशन के साथ है। यहाँ पे बीच में एक हैंडरेस्ट है और इसके अंदर दो कप होल्डर्स है, सो ये भी काफ़ी यूजफुल है। देन अभी चलते हैं इस गाड़ी के डिटेल्स के बारे में बात करते हैं, क्योंकि इस गाड़ी की जो डिटेल्स है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। सो डायरेक्टली बात करते हैं इस गाड़ी के डिटेल्स के बारे में। ये एक 2015 की होंडा सिटी है, डीजल में मैनुअल गाड़ी है एंड सेकेंड ओनर गाड़ी है। इस गाड़ी की अगर मैं प्राइस के डिटेल्स के बारे में बात करूँ तो ये गाड़ी जो है यहाँ पे अवेलेबल है 6,90,000 में, और ये गाड़ी जो है ये ड्रिवन है 82,000 किलोमीटर। सो अगर आपको ये गाड़ी यहाँ पे पसंद आती है तो आप नासिक कार मॉल में आके विजिट कर सकते हैं, कार मॉल नासिक के अंदर आके आप विजिट कर सकते हैं अगर आपको ये गाड़ी पसंद आती है तो, या अगर आपको डायरेक्टली यहाँ पे आना पॉसिबल भी नहीं है सो यहाँ पे आप जो स्क्रीन के ऊपर नंबर आ रहा है उसके ऊपर भी कांटेक्ट कर सकते हैं। इस गाड़ी के ऊपर आपको फाइनेंस का भी ऑप्शन मिल जाता है। सो अगर आपको इस गाड़ी के ऊपर फाइनेंस करना हो तो आप 4,80,000 तक इस गाड़ी के ऊपर फाइनेंस कर सकते हैं। देन अभी हम बढ़ते हैं नेक्स्ट वाली गाड़ी की तरफ, जो कि है स्कोडा ऑक्टाविया। सो ये स्कोडा ऑक्टाविया जो है ये 2013 का मॉडल है, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है, और ये एक ऑटोमेटिक गाड़ी है। सो इसके अगर हम सामने की लुक देखें तो ये जैसे कि एक ब्लैक गाड़ी है, तो ब्लैक के ऊपर आपको ये ब्लैक टिंट वाली हेडलैम्प्स मिलती है, और हेडलैम्प्स जो है ये पूरी ही प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स आपको मिलती है। देन नीचे फॉग लैम्प्स भी है इस गाड़ी के अंदर। जो सामने की ग्रिल है वो भी काफ़ी तगड़ी लगती है। मुझे पर्सनली जो स्कोडा ऑक्टाविया है वो ज़्यादा पसंद है होंडा सिटी से। देन ये है इसके अलॉयज, सो अलॉयज भी एक बार आप देख लीजिए, 16 इंचेस के अलॉय व्हील्स है, और ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग प्रोफाइल में है। सो यहाँ पे आप कंपैरिजन भी देख लीजिए होंडा सिटी और ऑक्टाविया के अलॉयज के अंदर। देन साइड मिरर्स के अंदर इसके अंदर भी जो टर्निंग इंडिकेटर्स है वो मिलता है। देन डोर हैंडल्स आप यहाँ पे देख सकते हैं, जो गाड़ी का कलर है उससे मैच आपको इसके अंदर डोर हैंडल्स मिलते हैं। और ये है इसकी रेयर साइड, सो रेयर साइड भी एक बार आप देख लीजिए, काफ़ी क्लीन कंडीशन में है ये भी गाड़ी। मुझे पर्सनली इस गाड़ी के जो लुक्स है वो काफ़ी अच्छे लगते हैं, आप भी यहाँ पे देख सकते हैं। जो गाड़ी है वो सच में काफ़ी तगड़ी लगती है, और होंडा सिटी से इसकी जो लंबाई है वो भी थोड़ी सी ज़्यादा है। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये गाड़ी जो है ये थोड़ी सी लंबी है। देन जो ये दूसरी साइड है यहाँ से भी आप इसको देख सकते हैं, जो कंडीशन है वो इसकी भी काफ़ी अच्छी है। और अभी हम बढ़ते हैं इस गाड़ी के भी इंटीरियर की तरफ, सो मैं आपको इसका भी इंटीरियर दिखाता हूँ। मुझे पर्सनली इसका जो इंटीरियर है वो भी पसंद है, इसके अंदर भी कीलेस एंट्री का ऑप्शन है। सो ये है इसका इंटीरियर, पूरा ही बेज कलर का इंटीरियर है, क्रीम कलर का इंटीरियर है। इसके अंदर जो सीट्स है ये इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल भी है, सो इसको आप इलेक्ट्रॉनिक एडजस्ट भी कर सकते हैं। देन डोर आप एक बार यहाँ पे देख लीजिए, इसके अंदर पावर विंडोज़ के कंट्रोल से यहाँ पे इसके अंदर भी एक कर्व प्लेट है जिसके अंदर ऑक्टाविया लिखा हुआ है। सो इसके अंदर तीन मेमोरी सीट्स के ऑप्शन भी है। देन अभी हम चढ़ते हैं इस गाड़ी के अंदर, डोर हम इसका क्लोज कर लेते हैं, और जो मतलब फील है इस गाड़ी के अंदर वो काफ़ी तगड़ा है। मैंने अभी थोड़ी सी ड्राइव भी की थी, ये गाड़ी काफ़ी स्मूथ चलती है, एक ऑटोमेटिक गियर बॉक्स के साथ आती है, तो आपको गियर बॉक्स के अंदर तो इसके अंदर कोई भी दिक्कत नहीं मिलने वाली, क्योंकि बहुत सारी गाड़ियों के अंदर ऑटोमेटिक गियर बॉक्स रहता है और उनके अंदर गियर बॉक्स के अंदर जो वो दिक्कतें आती है। सो इसके बारे में ऐसा कुछ भी नहीं है, ये गाड़ी जो है ये जेन्युइनली काफ़ी अच्छी कंडीशन के साथ है। देन ये है इसका ग्लव बॉक्स, जो इंटीरियर है वो एक बार आप देख लीजिए, DSG गियर बॉक्स। देन ऊपर यहाँ पे एक स्क्रीन है, बेसिकली इसके अंदर आपको बटन स्टार्ट नहीं मिलेगा, सो मुझे यहाँ पे की लगानी पड़ेगी। सो ये है इस गाड़ी की की, अभी हम इसको यहाँ पे प्लग कर लेते हैं, और इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर आप यहाँ पे देख सकते हैं, दो गेजेस है। देन यहाँ पे इसका स्टेरियो आपको मिलता है, स्टेरियो भी काफ़ी अच्छी क्वालिटी का है, ये एक टच डिस्प्ले मिलता है आपको इसके अंदर। सो इसके अंदर भी यहाँ पे ऊपर सनरूफ है, यहाँ से आपको एक बटन मिलता है जिसकी वजह से आप यहाँ पे जो सनरूफ है वो खोल सकते हैं। देन जो सीट्स है उसकी कंडीशन है एक बार आप देख लीजिए, जो सीट्स है वो भी काफ़ी अच्छी कंडीशन के साथ है। देन यहाँ पे एक हैंडरेस्ट है, और अभी मैं चलता हूँ रेयर साइड में, जहाँ पे मैं आपको इसकी रेयर की भी कंडीशन दिखाता हूँ। सो एक बार हम इग्निशन इसका ऑफ कर लेते हैं, की निकाल लेते हैं, एंड देन चलते हैं पीछे के साइड में। सो यहाँ पे एक बार आप इसकी पीछे की साइड भी देख लीजिए, जो कंफर्ट रहता है स्कोडा की कार्स में वो काफ़ी तगड़ा रहता है। सो जो लेग स्पेस है वो भी बहुत अच्छी है। देन यहाँ पे एसी के ब्लोअर्स है, और यह है इसका पूरा मतलब इंटीरियर। सो इंटीरियर आप इस गाड़ी का देख सकते हैं,
देन अभी मैं चलता हूँ बाहर की तरफ और मैं आपको इस गाड़ी की भी डिटेल्स बता देता हूँ। ये गाड़ी भी काफ़ी इंटरेस्टिंग डिटेल्स के साथ यहाँ पे अवेलेबल है। सो ये एक 2013 की स्कोडा ऑक्टाविया है, डीजल में ऑटोमेटिक मॉडल है और ये एक थर्ड ओनर गाड़ी है। इस गाड़ी की जो प्राइस है वो कोट की है 8 लाख रुपीज़, जो कि एक नेगोशिएबल प्राइस होने वाली है। अगर आपको ये गाड़ी यहाँ पे पसंद आती है तो आप कारमॉल नासिक के अंदर आके विजिट कर सकते हैं, जहाँ पे आके आप ये गाड़ी जो है ये बाय कर सकते हैं, या अगर आपको डायरेक्टली यहाँ पे आना पॉसिबल भी नहीं है तो यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर जो नंबर चल रहा है उसके ऊपर आप कॉन्टैक्ट करके इस गाड़ी की जो और भी डिटेल्स है वो ले सकते हैं। देन अगर आपको इस गाड़ी को लेकर कुछ और क्वेश्चंस हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं। और इस गाड़ी के ऊपर भी आपको फाइनेंस का ऑप्शन मिलता है, आप 5-5.5 लाख तक इस गाड़ी के ऊपर जो है वो फाइनेंस कर सकते हैं। सो आपको काफ़ी अच्छी डील्स यहाँ पे मिलने वाली है, आप 2-2.5 लाख के अंदर ये दोनों कार्स जो है ये घर ले जा सकते हैं। दोनों कार्स का जो डाउन पेमेंट है वो 2-2.5 लाख के अंदर ही होने वाला है। सो अगर आपको इन दोनों कार्स में से कोई सी भी कार पसंद आती है तो आप कार मॉल नासिक के अंदर आके ज़रूर विजिट करें, या अगर आपको यहाँ पे डायरेक्ट लाना पॉसिबल भी नहीं है तो जो स्क्रीन के ऊपर नंबर चल रहा है उसके ऊपर भी आप कॉन्टैक्ट करके दोनों कार्स की जो डिटेल्स है वो ले सकते हैं। सो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वाली ऐसी अमेजिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।